जश्न आजादी है, ये आजादी का जश्न। आज 26 अक्टूबर है और आज पूरा जम्मू कश्मीर विलय दिवस मना रहा है और आज के दिन जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान के साथ विलय हुआ था और आज भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो आज एक रैली के रूप में जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है। और सर क्या कहेंगे आज के दिन विलय हुआ था, क्या कहेंगे? आज विलय दिवस से पूरा जम्मू कश्मीर जो है हर्ष उल्लास से भरा हुआ है और हम ये बता देंगे पूरे महबूबा मुफ्ती को कि तिरंगा उठाने के लिए युवाओं की कमी नहीं है और आज भाजपा जश्न आजादी का दिन होता है। आज ही के दिन 26 अक्टूबर 1947 को हमारे महाराजा बहादुर हरि सिंह जी ने जम्मू कश्मीर का पूरा विलय हिंदुस्तान के साथ किया था। आज ही के दिन जम्मू कश्मीर का पूरा विलय भारत माता के साथ हुआ था। आज करोड़ों देशभक्तों के लिए ये जश्न आजादी का दिन है और आज जम्मू कश्मीर के हर कोने में तिरंगा झंडा है, आज जम्मू कश्मीर के हर दिल में तिरंगा झंडा है, आज जम्मू कश्मीर के हर घर के ऊपर तिरंगा झंडा है। ये देश के वो गद्दार चाहे महबूबा मुफ्ती हो या फारूक अब्दुल्ला हो, आंखें खोल के देख लो, आज जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चे के हाथ में तिरंगा है। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला आप देख लो, आज जम्मू कश्मीर के हर घर के ऊपर तिरंगा है। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान था, है और हमेशा हिंदुस्तान रहेगा और जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक ही झंडा लहराया जाएगा, वो है हमारा तिरंगा झंडा। दुनिया की कोई ताकत यहाँ दूसरा झंडा नहीं लगा सकती। हिल डेवलपमेंट काउंसिल के जो लेके चुनाव है, अभी तक जो वहां से जानकारी प्राप्त हो रही है, भारतीय जनता पार्टी ने 7 में से 6 सीटों पर विजय हासिल करके लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की है।
आज का दिन करोड़ों करोड़ जम्मू कश्मीर वासियों के लिए जश्न आजादी का दिन, आज का दिन हमारे लिए विजय दिवस का दिन है। आज 26 अक्टूबर है और 26 अक्टूबर 1947 को तब के महाराजा हरि सिंह बहादुर जी ने संपूर्ण जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ किया था, वो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय था और जम्मू कश्मीर का पूर्ण विलय हिंदुस्तान के साथ करने के बाद बड़ी शान से तिरंगा झंडा महाराजा हरि सिंह बहादुर जी ने संपूर्ण जम्मू कश्मीर के अंदर फहराया। यह गर्व का दिन है और मैं बधाई देता हूं करोड़ों करोड़ जम्मू कश्मीर वासियों को जिन्होंने आज हर शहर में, हर गली में, मोहल्ले में, वार्ड में, गांव में और अपने घरों के ऊपर बड़ी शान से तिरंगे झंडे फहराकर दुश्मन को जवाब दिया है। वो दुश्मन जो सीमा पार बैठा है, जो जम्मू कश्मीर के अंदर षड्यंत्र कर रहा है, उसको भी जवाब दिया है। और जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ गद्दार लोग हैं, महबूबा मुफ्ती और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जैसे, जो खाते तो हिंदुस्तान का है, रहते तो हिंदुस्तान में है, सारी सुख सुविधाएं इनको हिंदुस्तान की चाहिए, लेकिन इनके दिल में पाकिस्तान और चीन बसता है। आज उनके मुंह पर भी जम्मू कश्मीर की जनता ने तमाचा मारा है। जब करोड़ों लोगों ने अपने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर रैलियां निकाली, जश्न आजादी का दिवस मनाया, ये इन गद्दार नेताओं के मुंह पर वो तमाचा है, वो अपनी खुली आंखों से देखे। आज पूरा जम्मू कश्मीर भारतमय है, तिरंगामय है, कुपवाड़ा से लेकर कश्मीर घाटी के कुपवाड़ा से लेकर कठुआ तक, रजौरी पुंछ से लेकर किश्तवाड़ तक, अनंतनाग तक, आज सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर तिरंगे झंडे ही झंडे। जम्मू कश्मीर की जनता के दिल में तिरंगा है, जम्मू कश्मीर की जनता के दिल की धड़कन में तिरंगा है, सांसों में तिरंगा है, लहू में तिरंगा है, हमारे जान और हमारे प्राणों में तिरंगा है। और जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान है और यहां सिर्फ तिरंगा झंडा रहेगा, दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में कोई दूसरा झंडा नहीं लगा सकती है। जम्मू कश्मीर में अगर रहेगा तो सिर्फ तिरंगा झंडा रहेगा। एक देश का एक झंडा होता है। क्या महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और ये गुपकार गैंग वाले, ये गुपकार गैंग के गैंगस्टर्स, क्या ये जम्मू कश्मीर में अलग झंडा लगाकर क्या कोई जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने का तुम लोग ये जो षड्यंत्र कर रहे हो, कयामत की सुबह तक आपको इन षड्यंत्रों में हम कामयाब नहीं होने देंगे। जम्मू कश्मीर की जनता अपने देश हिंदुस्तान, अपनी भारत माता और अपने तिरंगे झंडे से प्यार करती है। हमें कोई दूसरा झंडा यहाँ के अंदर नहीं चाहिए और ना ही हम किसी को ये इजाजत देंगे कि जम्मू कश्मीर की धरती पर कोई दूसरा झंडा फहरा दे। सवाल पैदा नहीं होता, अपनी जान दे देंगे, अपना बलिदान दे देंगे, कुर्बानी दे देंगे, लहू का कतरा कतरा अपने देश, अपनी भारत माता और अपने झंडे के लिए न्यौछावर कर देंगे, लेकिन कोई दूसरा झंडा हम यहां नहीं चलने देंगे। ये जम्मू कश्मीर कोई महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के बाप दादा का जम्मू कश्मीर नहीं है। ये जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का है, 135 करोड़ हिंदुस्तानियों का
जम्मू कश्मीर है। ये जम्मू कश्मीर तिरंगा झंडे का जम्मू कश्मीर है। ये जम्मू कश्मीर डोगरों का जम्मू कश्मीर है, डोगरों का जम्मू कश्मीर है। महबूबा मुफ्ती डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महाराजा गुलाब सिंह की ये जम्मू कश्मीर और डोगरों का ये जम्मू कश्मीर है। आप तो यहां किराएदार हो, किराएदार, और ये तुम्हारी नाफरमानियां और तुम्हारी गुस्ताखियों को हम यहां नहीं बर्दाश्त करने वाले। आज विजय दिवस है, आज के दिन महाराजा हरि सिंह बहादुर जी ने पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर को भारत में विलय किया था, और उसमें यह जो हमारा आज का जम्मू कश्मीर है यह तो है ही है, लेकिन जो पाकिस्तान और चीन के कब्जे में जम्मू कश्मीर और लद्दाख है वो भी हमारा भारत का हिस्सा है। वो मीरपुर, कोटली, भिम्बर, बाघ, बलंदरी, देवा, बटाला, नीलम वैली, मुजफ्फराबाद, अस्कारदू, गिलगित, बल्टिस्तान, शकसाम वैली, ईस्टर्न लद्दाख, जिसको अक्साई चिन कहते हैं, ये सब भारत के हैं। पाकिस्तान के नालायक प्रधानमंत्री उस कायर इमरान नियाजी को हम यहां से वार्निंग देते हैं, खाली करो हमारा पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर, खाली करो मीरपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद, भिम्बर, बाघ, बलंदरी, देवा, बटाला, खाली करो गिलगित बल्तिस्तान। और चीन को भी हम चेतावनी देते हैं और कि आप हमारा शकसाम वैली, हमारा ईस्टर्न लद्दाख वो हिंदुस्तान का है, खाली करो। अरुण देव सिंह जम्बाल जी हमारे साथ मौजूद है, जो कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट है। अरुण देव जी, आज कितना महत्वपूर्ण दिन है खासतौर पर जम्मू के लिए? आज के दिन 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह जी ने, जो तत्कालीन महाराजा थे जम्मू कश्मीर प्रिंसली स्टेट के, उन्होंने भारत के साथ जम्मू कश्मीर का संपूर्ण विलय किया था, और उसके परिणाम स्वरूप जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग बन चुका था, संविधान के तहत भी बन चुका था। और आज का दिन इसीलिए विशेष हो जाता है कि आज के दिन महाराजा हरि सिंह जी ने जो सपना देखा था वो पूर्ण हुआ। 370-35 से जैसी जो अलगाव प्रस्त जो धाराएं थी उनको जम्मू कश्मीर के जो जम्मू कश्मीर और भारत के आईन से बाहर कर दिया गया, और जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू के कश्मीर के अंदर आज के दिवस को छुट्टी के रूप में घोषित किया गया। इसीलिए जम्मू कश्मीर के प्रत्येक चौराहे, प्रत्येक स्थान पर तिरंगा लगा करके युवा ने अपनी खुशी का इजहार किया। लेकिन अभी भी जो जम्मू के युवा है वो ये डिमांड कर रहे हैं कि महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर छुट्टी अनाउंस होनी चाहिए, लेकिन अभी तक छुट्टी अनाउंस नहीं है। भाजपा भी ये कहती रही, ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति, आज अगर 26 अक्टूबर छुट्टी हुई है तो आज ट्रिब्यूट है महाराजा हरि सिंह जी को, कि जो उन्होंने उस समय, क्योंकि व्यक्ति के कार्य को सलाम किया जाता है, व्यक्ति ने जो जिंदगी में देशभक्ति पूर्ण कार्य किए उसको सलाम है, जो जब आज छुट्टी घोषित हुई है, और आज अगर ने, आज अगर सबने सबसे पहले परिणाम किया, प्रणाम किया और पुष्पांजलि की, तो आप सामने देख लीजिए। मैं कैमरामैन से जरूर बोलना चाहूंगा कि आज महाराजा हरि सिंह जी को पुष्पमालाएं करके उनके चरणों में सलाम किया, प्रणाम किए, क्योंकि आज का दिन हमारे नसीब में इसीलिए आया क्योंकि उस समय के जो हुक्मरान थे, उस समय के जो महाराजा थे जम्मू कश्मीर के, वो महाराजा हरि सिंह जी थे, और महाराजा हरि सिंह जी राष्ट्रभक्त, देशभक्त व्यक्ति थे, इसीलिए उन्होंने जम्मू कश्मीर का
पूर्ण विलय भारत के साथ किया। पूरा जम्मू कश्मीर जश्न मना रहा है, विलय दिवस हुआ था, हिंदुस्तान का बना था जम्मू कश्मीर, लेकिन आज भी पीडीपी ऑफिस के बाद तिरंगा नहीं लहराने दिया वहाँ पर, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ऐसा है कि वहाँ पर तिरंगा लगा और जम्मू कश्मीर के युवाओं ने जिस तरीके से, मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ कि अपना जो जवाब है वो ईंट का जवाब पत्थर से दिया है और अब ये सिद्ध कर दिया कि जम्मू कश्मीर का राष्ट्रभक्त युवा, देशभक्त युवा चुप नहीं बैठेगा। अगर कोई पाकिस्तान के प्रस्त राजनीति करने का प्रयास करेगा, पाकिस्तान के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करने का प्रयास करेगा, तो उसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। जो तिरंगे के खिलाफ बोलेगा, जो तिरंगे के खिलाफ बातें करेगा, उस पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? उसके ऊपर कानूनी धाराओं के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसको सलाखों के पीछे होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर का विलय हिंदुस्तान के साथ हुआ था और आज के दिन ही जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग बना था, लेकिन आज भी जम्मू में तिरंगा को लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है और महबूबा मुफ्ती का भी ये बयान आया था कि वो तिरंगा नहीं पकड़ेंगे जब तक जम्मू कश्मीर का झंडा उन्हें वापस नहीं मिलता। लेकिन आज जम्मू कश्मीर के लिए खुशी का दिन है और आज के दिन ही जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग बना था। बने रहें द पब्लिश के साथ, धन्यवाद।